हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अरिहंत मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मीनिंग समझना है यहाँ से। 45 डिग्री का फॉर्म कर रहा है बॉटम पर और 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है, टॉप पर। ठीक, तो देखो क्या है, समझना है इसको। एक बिल्डिंग है, ठीक, 20 मीटर हाई, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। अब ट्रांसमिशन टावर का टॉप और बॉटम, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है, 45 डिग्री, और टॉप का 60 डिग्री। ओके चलो बच्चों, इसको ट्राई करते हैं। तो सॉल्यूशन, राइट, तो सॉल्यूशन लेते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर सपोज करो ये क्या है, ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। तो ग्राउंड को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर दिया, राइट। अब देखो, यहाँ से हमने एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई। देखो, दिस इज द बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है, राइट, ऐसा। ये कितना है आपका, 20 मीटर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके। अब इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। देखो, यहाँ पर एक टावर है ऐसा, देखो इस टाइप का एक टावर है ऐसा, राइट, इस ये टावर है, ओके। अब देखो यहाँ से, देखो ये इसका टॉप है, दिस इज द टॉप, और ये इसका बॉटम है, बॉटम, ओके बच्चों। तो ये टॉप है और ये बॉटम। अब देखो यहाँ पर ग्राउंड, अब ग्राउंड से कोई पर्सन जो है इसको वॉच कर रहा है, इसके टॉप और बॉटम को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, बॉटम पर 60 डिग्री और टॉप पर 45 डिग्री, ठीक। एक मिनट देखो, बॉटम, ठीक है, तो बॉटम पर 45 डिग्री और टॉप पर 60 डिग्री, ओके। चलो तो अब सपोज करो ये हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट तो गिवन नहीं है, तो उसे एक पॉइंट की तरह एज्यूम करोगे, ओके। चलो तो देखो ये बॉटम, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बच्चों, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ठीक। एंड टॉप, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या गिवन है आपको, 60 डिग्री। देखो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट 60 डिग्री, राइट, ये, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से, ठीक, चलो अब नेमिंग करते हैं यहाँ पर। चलो इसको कंसीडर कर लेते हैं ए, इसको बी, इसको हमने सी ले लिया, इसको डी। तो डी सी, डी सी बच्चों क्या है यहाँ पर, टावर, और बी सी क्या है आपकी बिल्डिंग, ठीक। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक। अब क्वेश्चन को इन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व करना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो बच्चों ये आपको फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर। तो सपोज लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज एच मीटर। चलो हाइट ऑफ टावर हमने एच मीटर ले लिया, तो बच्चों को इसको हमने एच ज़ूम कर लिया, दिस, इसको एच ज़ूम कर लिया, ठीक, ओके। और इसको देखो हमने एक्स ज़ूम कर लिया, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक, इन ट्राइंगल क्या हम ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, ए बी सी। देखो ये 20 गिवन है और ये एक्स गिवन है, सो यहाँ से एज्यूम कर लो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। तो बच्चों 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 20 अपॉन एक्स। अब 10 45 डिग्री वैल्यू बताओ जल्दी से, 1, क्या होता है 1, सो 1 20 बाय एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 20,
ठीक, तो x इक्वल टू आपको 20 मिल गया ये। अच्छा देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो देखो ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक ओके। तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री। अब देखो, अगर दो एंगल सेम हैं तो उनके अपोजिट साइड भी सेम होते हैं, ठीक। ये 90 45, तो ऑब्वियसली ये भी 45। तो अगर ये एंगल 45 और ये भी एंगल 45, तो इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे सेम। तो अगर ये 20 है तो ऑब्वियसली ये भी 20 होगा, राइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट ट्राइंगल हम क्या ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, क्लियर बच्चों। अब इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है, 60 डिग्री। इसमें 60 डिग्री, तो एज्यूम कर लो यहाँ से 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। तो बच्चों परपेंडिकुलर, देखो ये लेंथ आप परपेंडिकुलर है, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, एच प्लस 20, एच प्लस 20 अपॉन बेस क्या है आपका, एक्स, ठीक। और एक्स की वैल्यू देखो, बेस एक्स, राइट। अब 10 60 डिग्री वैल्यू क्या है आपका, √3 इज इक्वल टू एच प्लस 20 बाय एक्स की वैल्यू पुट कर दो 20, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 √3 इज इक्वल टू एच प्लस 20। सो एच इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, ठीक। सो यहाँ से 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो दिस इज द हाइट ऑफ टावर। तो बच्चों हाइट ऑफ टावर आपका क्या हो गया, 20 √3 माइनस 1, दिस इज द आंसर, ओके, दिस इज द आंसर। तो आई थिंक बच्चों ये वेरी इजी प्रॉब्लम था और आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है आपको, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑफ टॉप ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टॉल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो ऐसा है, एक पेडेस्टॉल गिवन है, उसके ऊपर एक स्टैचू है, ठीक ओके। जिसे आपने चौराहे वगैरह पर देखा होगा, ठीक, किसी नेता वगैरह की या किसी महापुरुष की, ठीक है, ग्रेट मैन की, ठीक है, स्टैचू लगा होता है। तो देखो स्टैचू का जो बेस होता है, दैट इज कॉल्ड द पेडेस्टॉल। तो पेडेस्टॉल, उसके ऊपर एक स्टैचू होता है, ठीक। चलो तो फिगर ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्या करना है, देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज द ग्राउंड। देखो ये क्या है, ग्राउंड, ओके बच्चों। अब यहाँ पर देखो, दिस इज द पेडेस्टॉल, इस टाइप का देखो, ये ऐसा होता है, ये क्या है, बेस ऑफ द स्टैचू। अब यहाँ पर देखो, ये स्टैचू है ऐसा, ठीक, ये एक स्टैचू, ओके। तो दिस इज द पेडेस्टॉल, दिस इज द स्टैचू। अब क्या गिवन आपको, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो ये ग्राउंड पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया हमने, दिस, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, अब देखो ये क्या है, टॉप ऑफ द स्टैचू। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, बच्चों ये क्या मिल रहा है आपको, 60 डिग्री, दिस इज द 60 डिग्री, राइट। एंड अगेन फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टॉल। तो बच्चों ये टॉप ऑफ द पेडेस्टॉल है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री, दिस इज द 45 डिग्री, राइट ओके। चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस। अब देखो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ से देखो ए बी सी डी, ये हमने नेम ले लिया ए बी सी डी। तो बच्चों ये स्टैचू है, स्टैचू की हाइट क्या गिवन है आपको, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ द स्टैचू। एंड पेडेस्टॉल की हाइट आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने एस एज्यूम कर लिया, एस, ठीक। और ए बी, इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया, दिस इज द एक्स, ओके। चलो तो सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ से, लेट लेट हाइट ऑफ, हाइट ऑफ पेडेस्टॉल इज एच मीटर, ठीक, इसकी हाइट हमने एच मीटर ले लिया। अब देखो इन ट्राइंगल, यहाँ पर दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी,
ओके। अब देखो ये 45 डिग्री है, ये एच गिवेन है और ये एक्स, तो 45 के सामने क्या है एच, एच मीन्स परपेंडिकुलर और ये बेस है ओके। तो क्या लोगे यहाँ पर टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बच्चों क्या हो जाएगा एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स। अब टेन 45 डिग्री क्या होता है वन, सो वन इजक्वल टू एच बाई एक्स, सो एच इजक्वल टू एक्स, ठीक ऐसा ऐसे भी देख सकते थे। देखो ये 90 है, ये 45, तो ये 45 होगा, अब ये 45 और ये भी 45, ठीक। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनके अपोजिट साइड्स भी सेम होंगे, सो एच इजक्वल टू एक्स, राइट। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे ए बी डी। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में इसका जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप क्या लोगे राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे जो सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चन है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल में ही लेना है, ठीक। सो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ओके। अब यहाँ से कंसीडर करो कौन सा एंगल लोगे 60 डिग्री, सो टेन 60 डिग्री, ठीक। टेन क्यों लेना है, देखो टेन के सामने की साइड कौन सी है परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक, क्योंकि हमें एच फाइंड आउट करना है, तो ये सामने वाली साइड लेना होगा, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस, इससे तो हमारा कोई लेना ही लेना नहीं है, ठीक। तो बच्चों यहाँ से टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों बी डी, और बी डी है देखो 1.6 डी सी है और एच क्या है बी सी, दोनों को ऐड कर दो तो बी डी मिल गया, सो दिस इज द 1.6 प्लस एच अपॉन, ये बेस में क्या है एक्स। अब ये क्या गिवन है रूट थ्री, टेन 60 डिग्री रूट थ्री, 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है एच, देखो एक्स इजक्वल टू एच, अब मल्टीप्लाई करो यहाँ से, सो रूट थ्री एच इजक्वल टू 1.6 प्लस एच, क्लियर। एच को इस साइड में ले जाओ, सो रूट थ्री माइनस वन, एच कॉमन ले लो 1.6, ओके, सो एच इजक्वल टू 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन, ठीक। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है इन रेशनल टर्म से, तो इसे चेंज करो, कैसे करोगे रेशनलाइज करके, तो रूट थ्री माइनस वन है तो रूट थ्री प्लस वन, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो बच्चे यहाँ से क्या मिल गया एच इजक्वल टू 1.6 रूट थ्री प्लस वन अपॉन, देखो अब ये रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, सो रूट थ्री स्क्वायर थ्री, वन स्क्वायर वन, सो रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, सो आपको थ्री माइनस वन दैट इज़ अ टू, सो दिस इज द 0.8 रूट थ्री प्लस वन, देखो ये तो बच्चे ये मिल गया आपको 0.8 रूट थ्री प्लस वन, ठीक। और अगर वैल्यू रखना चाहते हो तो रूट थ्री की वैल्यू रख लो 1.732, कैलकुलेट कर लो, तो बच्चे ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हाइट ऑफ पेडेस्टॉल ये मिल गया आपको 0.8 रूट थ्री प्लस वन, दिस इज द आंसर, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अच्छा देखो यहाँ पर दो चीज़ें थी हैं, राइट, पहला क्या है बिल्डिंग और फिर अगेन क्या आपको गिवन है टावर, ओके। चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, ठीक। तो पहले तो क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या है ग्राउंड, ठीक है, अब ग्राउंड पे ही होगी ना, ठीक। अब यहाँ से देखो हम फाइंड आउट करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, सपोज करो ये एक बिल्डिंग हमने ले लिया, दिस इज द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग ले लिया, ओके बच्चे ये बिल्डिंग, और यहाँ पर हमने एक टावर ले लिया, देखो ऐसा ये टावर है, आप समझ लेना अपने आप, ठीक है, ओके टावर, तो ये टावर। अब कंडीशन देखो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, देखो ये बिल्डिंग का टॉप है,
ठीक, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से ले रहे हो, ठीक, फुट ऑफ द टावर, देखो ये फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट है, तो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, चलो इसे लाइन ज्वाइनिंग कर दो ऐसा, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन जानते हो ना, जिस ऑब्जेक्ट को आप वॉच कर रहे हो वो ऑलवेज क्या होगा, अबव द ऑब्जर्वर, देखो यहाँ से आप वॉच कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जर्वर, ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर से अबव होता है, ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिल रहा है आपको इस केस में, 30 डिग्री, ओके, चलो आगे क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, अब देखो ये टावर का टॉप यहाँ पे है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की फुट है, ओके बच्चों, तो यहाँ से देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिल रहा है, 60 डिग्री, तो देखो इसको लाइन ज्वाइनिंग कर दो, ओके, और ये क्या है आपका 60 डिग्री, ऐसा 60 डिग्री, ओके, देखो ये फिगर बन गया यहाँ से। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको देखो टावर, टावर की हाइट क्या दिया है उसने, 50 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज द 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की आपको हाइट फाइंड आउट करना है, तो इसको एच एज्यूम कर लो, एच, इसको हमने एच एज्यूम कर लिया, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस आप एज्यूम कर लो एक्स, ठीक, राइट, देखो ये कंप्लीट फिगर हो गया, अच्छा इसको नेम दे दो यहाँ से, ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखो ये हमने नेम दे दिया, अब ओके, अब देखो इसमें भी दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, कौन सा है, बी सी डी, एक ये मिल गया आपको, एंड सेकेंड आपको क्या मिल गया, सी बी ए, ठीक, सो देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, अब देखो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व करोगे देखो, चलो सॉल्यूशन लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, चलो ट्राइंगल ए बी सी ले लो, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, अब देखो ये एंगल 60 डिग्री, ये आपको 50 गिवन है, 60 के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो क्या एज्यूम करोगे, टेन 60 डिग्री, तो बच्चों टेन 60 डिग्री क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर गिवन है आपको 50, बेस है एक्स, सो यहाँ से रूट 3 इज इक्वल टू 50 बाई एक्स, ओके, सो एक्स इज इक्वल टू मिल गया आपको 50 बाई रूट 3, ठीक, तो इस वैल्यू को नोट कर लो, चलो ये हमें एक्स मिल गया, अब हम ट्राइंगल ले लो बी सी डी, सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी, राइट, अब इसमें ले लो 30 डिग्री, तो बच्चों 10 30 डिग्री, ठीक है ना, 10 लोगे ना, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस गिवन है, तो 10 30 डिग्री, एच बाई एक्स, सो एच इज इक्वल टू, पहले वैल्यू रखो यहाँ से, दिस इज द 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, ओके बच्चो, चलो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एच, तो एच इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3, ठीक, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये आपको फाइंड आउट करनी है, तो एच इज इक्वल टू एक्स बाय रूट 3, अब एक्स क्या गिवन है, 50 बाय रूट 3 अपॉन रूट 3, अब देखो यहाँ से रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज अ 50 बाय 3, ओके, अब ये मीटर, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, एच इज इक्वल टू 50 बाय 3 मीटर, दिस इज द आंसर, चाहो तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक, सो दिस इज द आंसर, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज अ 50 बाय 3 मीटर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर टेन देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, अब एक रोड आपको गिवन है, रोड के दोनों साइड में टू पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, ठीक, विच इज 80 मीटर वाइड, अब जो रोड है उसकी अगर आप ब्रेथ लोगे वाइड, ठीक है, यानी उसकी चौड़ाई, तो वो क्या आपको गिवन है, 80 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, अब रोड के बीच में एक पॉइंट आपको गिवन है, ठीक, द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो एक के हाई
टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे का क्या है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। अब पोल्स की हाइट आपको फाइंड आउट करना है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और आपको जो पॉइंट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका डिस्टेंस भी आपको पोल से फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, चलो तो फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से देखो कैसे लेंगे। देखो ये तो हमने ले लिया ग्राउंड, राइट ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। ओके अब सपोज करो ये ऐसे ले लो, यहाँ पर सपोज करो ये हमने ले लिया ए बी, ये हमने क्या लिया एक रोड ले लिया, ठीक है ये रोड। अब ये रोड कितना वाइड है आपका 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक, ये 80 मीटर वाइड रोड है, ठीक। अब इसके दोनों साइड में क्या है पोल्स हैं इक्वल हाइट के, इक्वल हाइट के पोल्स हैं। देखो हमने ऐसे पोल बना दिया, देखो ये और एक पोल ये बना लिया, देखो दोनों का हाइट इक्वल है। हाँ राइट, ठीक, हाँ लगभग इक्वल है, ठीक। चलो इसको नाम दे दो यहाँ से। अब इसको दे दो ये, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो। ओके तो ए सी एक पोल है और डी भी एक अदर पोल है। ये रोड है आपका 80 मीटर वाइड और इसके दोनों साइड में पोल गिवन है, ठीक। दिस इज द पोल एंड ये भी पोल है, ठीक। अच्छा इनकी हाइट ले लो, इनकी हाइट मान लो एच है, ठीक। तो इसकी भी हाइट क्या है एच, तो हाइट हमने एच ले लिया। ओके अब अगेन क्या दिया आपको, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब रोड में एक पॉइंट आपको गिवन है, ओके बच्चों, तो मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया ऐसे यहाँ पर, और इस पॉइंट को नेम हमने दे दिया ये। ओके अब यहाँ से देखो ये एंगल और फिर ये एंगल, क्लियर। आपको एंगल क्या फॉर्म हो रहा है आपका, देखो दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा, कौन सा 60 डिग्री, ठीक है सोच के बताना क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, देखो ये एंगल ज़्यादा, ये एंगल ठीक है इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री होगा, और ये कम है तो ये 30 डिग्री, क्लियर है ना, ठीक। देखो जैसे जैसे पास आते हो एंगल क्या होता है बड़ा होता जाता है, और जैसे जैसे दूर जाते हो एंगल कम होने लगता है। देखो पोल से ये क्या है इसकी देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये एंगल क्या होगा स्मॉल, इसका देखो डिस्टेंस कम है तो इसका एंगल ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये तो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा अगेन देखो यहाँ से और क्या ले लेते हैं, देखो ये डिस्टेंस, देखो इस डिस्टेंस को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं एक्स, ठीक। ये ए को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी, ये टोटल 80 है, इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, देखो 80 माइनस एक्स। ओके तो ए को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो ई भी आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ओके चलो अब सॉल्व करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन, ठीक। तो देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक तो आपको मिल गया सी ए ई, दूसरा आपको मिल गया ई बी डी। चलो तो कंसीडर करो इन ट्राइंगल सी ए ई, सी ए ई, ठीक। चलो इसमें ले लो 10 60 डिग्री। अब 10 जानते हो नहीं क्यों लोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवेन है, तो परपेंडिकुलर एच और बेस क्या हो गया एक्स, देखो ये एच और बेस एक्स। चलो यहाँ सॉल्व करो, दिस इज द रूट 3 एच बाई एक्स, सो एच एच इजक्वल टू आपको मिल गया रूट 3 एक्स, इसको 1 ले लो इक्वेशन 1, ठीक। अच्छा अगेन देखो अब ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ट्राइंगल, तो बच्चों ट्राइंगल क्या ले लो ई बी डी, ई बी डी इसमें ले लो 10 30 डिग्री, ठीक 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो एच हो गया, बेस क्या हो गया बच्चों, देखो ये एक्स है तो ये क्या हो गया 80 माइनस एक्स, सो दिस इज द 80 माइनस एक्स। ओके दिस इज द 1 बाय रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो 80 माइनस एक्स इक्वल टू रूट 3 एच। ओके
ऐसा। अब देखो क्या है यहाँ पर, इक्वेशन वन से इसमें पुट कर दो h की वैल्यू रूट थ्री, ठीक है, h की वैल्यू पुट कर दो रूट थ्री एक्स, सो रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स, कहाँ से, फ्रॉम वन से, ठीक। चलो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, दिस 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, बच्चों रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होगा, 3x। अब इस x को इस साइड में ले जाओ, 4x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 80 बाय 4 दैट इज अ 20, देखो दिस, ओके ऐसा। तो ये आपको मिल गया 20 मीटर, ये क्या हो गया, ये आपको मिल गया, मान लो ये अगर ये फर्स्ट पोल है, फर्स्ट पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक, और ये सेकेंड पोल है, तो फर्स्ट पोल से डिस्टेंस आपको क्या मिल गया, इस पॉइंट का 80 मीटर, सेकेंड पोल से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। चलो अगेन, अब हम फाइंड आउट करते हैं, x मिल गया हाइट, तो h इज इक्वल टू, अब फर्स्ट में पुट करो क्या मिल गया आपको, 20 रूट 3 मीटर, देखो ये आपको मिल गया हाइट, हाइट ऑफ द पोल, ओके बच्चों। अब आप इजीली लिख सकते हो, हाइट ऑफ द पोल इज 20 रूट 3 मीटर, ठीक, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल इज द 20 मीटर एंड फ्रॉम सेकेंड पोल इज द 60 मीटर, ओके। तो पोल से डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस मिल गया आपको 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको सॉल्व करना है डू योर सेल्फ, ठीक, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करते हैं, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अब आपको एक बिल्डिंग गिवन है जिसकी हाइट 7 मीटर गिवन है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर, अब एक टावर गिवन है जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या गिवन है 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड आउट करना है। चलो तो फिगर ड्रॉ करते हैं, देखो दिस इज द ग्राउंड, ये तो ग्राउंड हो गया, ओके। अब यहाँ से एक बिल्डिंग बना लो, ये हमने बिल्डिंग बना लिया, देखो ऐसा, ओके। बिल्डिंग की हाइट क्या गिवन है 7 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर, ओके। अब देखो यहाँ पर एक टावर गिवन है, ओके, यहाँ से देखो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अब यहाँ से ऑब वॉच कर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर, तो यहाँ से वो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमेशा ऑब्जर्वर से है, जिसका मतलब टावर की जो हाइट होगी बिल्डिंग से ज़्यादा होगी, देखो टावर ऐसा होगा, मान लो ये टावर है, दिस इज द टावर, ठीक। अब इसका देखो टॉप इससे एबव होगा क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है, ओके, तो टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट से ज़्यादा होगी, तो बच्चों यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ऐसा, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो ऐसा, ठीक है ना, जहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और ये क्या हो गया लाइन ऑफ साइट, ठीक। अब देखो ये एंगल क्या गिवन है आपको, दिस एंगल इज अ 60 डिग्री, जस्ट 60 डिग्री, राइट, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब देखो ये टावर है, टावर का फुट यहाँ पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है बच्चों, ऑब्जर्वर ऊपर होता है ऑब्जेक्ट हमेशा बिलो होता है, ठीक, तो ऑब्जर्वर यहाँ पर है ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो बिलो, सो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको लाइन ज्वाइनिंग कर लो, राइट, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है, सॉरी 45 डिग्री, वेरी सॉरी 45 डिग्री, देखो तो ये टावर ये बिल्डिंग, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट
फाइंड आउट करना है। तो नेमिंग कर दो इसको, पहले ले लो ए, इसको ले लो बी, सी, डी और ई। देखो ऐसा, ठीक है, यहाँ से। अब देखो अगर ये 7 मीटर है, सपोज करो अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर, दोनों सेम है, ठीक है। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है, ऐसा। अब इसको एज्यूम कर लो, सपोज करो इसको एच एज्यूम कर लो, एच, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन चलो लेते हैं, तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, तो अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा बच्चों, ये है ना ए सी, तो ये आपका हो जाएगा एच प्लस 7, ये आपका होगा हाइट ऑफ टावर। तो इसमें आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। और क्या कर लो यहाँ पे, देखो इसको एक्स एज्यूम कर लो, इसको एक्स, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ऑब्वियसली बी, ये भी क्या होगा एक्स, इट इज ऑल्सो एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, राइट। चलो अब राइट एंगल ट्राइंगल, देखो यहाँ से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। अब देखो ये 45 डिग्री है तो इसको भी तुम चाहो तो 45 डिग्री ले सकते हो, ठीक है ना, 45, तो ऑब्वियसली ये भी 45 होगा। चलो तो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई, ठीक। अब देखो बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45 होगा, दिस इज द 45। अब देखो ये दोनों एंगल सेम है तो इनके अपोजिट साइड्स भी सेम होंगे, तो ये 7 मीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 7 मीटर होगा, राइट। बट इसको ऐसे भी ले सकते हो, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में 10 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 7/x। 10 45 क्या है, 1, 7/x, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर, देखो x इज इक्वल टू 7 मीटर, ओके। अब क्या करना है, देखो अब ट्राइंगल ले लो ए बी डी, ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ठीक है। आपको एच फाइंड आउट करना है, ये ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, इसमें 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स, ठीक। अब यहाँ से ले लो 10 60 डिग्री, √3 एच अपॉन एक्स क्या है 7, सो यहाँ सॉल्व करो एच इज इक्वल टू 7√3, दिस 7√3 मीटर। तो बच्चों ये आपको मिल गया एच, एच मिल गया आपको 7√3 मीटर। अब हाइट आपको फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर बच्चों क्या है एच प्लस 7, देखो ये, ठीक है ना, h प्लस 7, h की वैल्यू पुट करो, एच 7√3 + 7, 7 कॉमन ले लो, 7√3 + 1 मीटर, ओके, देखो ये, तो हाइट ऑफ टावर इज 7√3 + 1, दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये आपका आंसर मिल गया, ओके। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या गिवन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है। अब आपको 75 मीटर हाई लाइट हाउस गिवन है, फ्रॉम द सी लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30° and 45°। अच्छा चलो तो इसको सॉल्व, फिगर ड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं, ओके देखो यहाँ पर क्या गिवन है, लाइट हाउस गिवेन है आपको, सील गिवेन है एंड टू शिप्स आपको गिवेन है। तो को जैसे ये, तो सपोज करो ये जो है आपका, ये है सी, ये सी लेवल है, ठीक, ऐसे आपको ये देखो ये सी लेवल है इस टाइप का, ऐसा, राइट, ये लहरों टाइप, लहरे टाइप का आपका शिप है, ठीक। अब इसको हमने प्लेन बनाया है, ठीक है, फिगर ड्रॉ करने के लिए। अब समझ रहे हैं, यहाँ पर एक लाइट हाउस गिवन है, देखो ऐसा, ठीक है, कुछ लाइट हाउस कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना, एक काम करो ऐसे बनाओ आप सीधे,
ठीक है। अब यहाँ पर कोई लाइट होगा आपका, ठीक है ऐसा। अब ये एक लाइट हाउस गिवेन है। अब इसके बाद समझना है यहाँ पर क्या है। अब टू शिप्स गिवेन है यहाँ पर। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। अब दोनों शिप क्या है, सेम साइड में है। तो सपोज करो एक शिप जैसे मान लो यहाँ पर है, ये हमने ऐसे बना दिया, एक शिप आपका ये है और एक शिप ये है ऐसे, ठीक है। हालांकि ये शिप नहीं, बोर्ड लग रहा है, बट एज्यूम कर लो ये शिप है, ओके। अब इनका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ओके बच्चों, ये आपको गिवन है। चलो तो यहाँ से देखो, ठीक, ये आपको 75 मीटर गिवन है, ठीक, ऐसा एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर। देखो यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है आपको यहाँ पर टू सिप्स। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व है, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ठीक। ये अब देखो, ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा बिलो होता है ऑब्जर्वर से। तो इसका देखो लाइन ज्वाइनिंग कर दो, देखो इस टाइप, ये क्या हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। ये क्या है, कितना आपका एंगल होगा, दिस इज द 45 डिग्री, ऐसा। अगेन देखो, फिर इस शिप के लिए देखो, इस शिप के लिए क्या है, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, आप इसको लाइन ज्वाइन करो ऐसा, ओके बच्चों। ये अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 30 डिग्री ऐसा, ठीक। अब ध्यान देना, अगर ये 45 डिग्री है, सॉरी ये देखो यहाँ से ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ओके। तो आई थिंक बच्चों फिगर आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, तो ये 45, ये देखो सेकेंड, अगर इसको मान लो 1 दे देते हो और इसको सेकेंड शिप, सेकेंड शिप कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, राइट। अब नेमिंग दे दो यहाँ से, देखो ए बी सी सी और यहाँ से ले लो डी, ठीक। सी और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिप को। अगेन अब देखो, अब यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक डी बी ए और सी बी ए, ये आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स, यानी आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस आपको ये फाइंड आउट करना है डी सी, ओके। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इन ट्राइंगल, तो बच्चों यहाँ हम ट्राइंगल लेते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल ले लो सी बी ए, ट्राइंगल सी बी ए, ठीक। कैसे लोगे, देखो अगर ये 45 है, ये 90, ये 45, सो दो देखो ट्राइंगल के टू एंगल्स सेम है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी सेम होंगे। अगर ये 75 है, तो ऑब्वियसली ये भी 75, ठीक। इसको ऐसे भी ले सकते हो, 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका 75, बेस क्या है आपका सी बी, ओके। चलो ये 1 अपॉन सी बी, तो सी बी इज इक्वल टू 75, तो बच्चों ये मिल गया आपको सी बी, सी बी की लेंथ आपको मिल गई 75। अगेन ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल डी बी ए, डी बी ए, अब इसमें ले लो, इसमें क्या है 10 30 डिग्री, बच्चों क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 75, ओके। और बेस देखो ये पूरी लेंथ है, तो बेस कैसे लिखोगे, देखो डी सी प्लस बी सी या सी बी लिखो। अब 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन डी सी प्लस, ओके सी बी आपको गिवन है 75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
सो डीसी प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। सो बच्चों डीसी इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। देखो ऐसा तो यहाँ से कॉमन ले लो डीसी, सो √3 माइनस 1, ठीक है, इसको ऐसे कॉमन लो, 75 कॉमन लो, सो 75√3 माइनस 1 मीटर। देखो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। सो दिस डिस्टेंस 75√3 माइनस 1। ओके बच्चों, ये डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगा ऐसा, राइट। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो कुछ भी खास इसमें नहीं था, बस आपको फिगर, देखो फिगर अगर आपने सही से ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया, चैप्टर 9 हम सॉल्व कर रहे थे तो 13 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब 14, 15 और 16 इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और अब लेक्चर के लास्ट में ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है, मैं आपको ऑब्वियसली रिप्लाई करूँगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।